artistik, politik dan perasaan satu yang akan dihormati sendiri bagi dunia maksud sebab tertentu terhadap kesihatan Malaysia. हमें निरोग भी रख सकता है, हमारा उन्नयन भी आगे कर, हमारा आध्यात्मिक उन्नयन भी कर सकता है। और मैं कह सकता हूं एक और बात, जब यहां पर प्रोफेसर निर्झर जी को यहां पर बुलाया जा रहा था तो संचालक के द्वारा कहा गया कि टेक्नोलॉजी और योग का संबंध, मुझे लगता है दुनिया का कोई शोध ऐसा नहीं जो मन की एकाग्रता के बगैर संभव हो सकता हो। मन के एकाकार के बगैर दुनिया का कोई शोध आज तक नहीं हुआ है। जिसने भी चेतना के विस्तृत आयाम के माध्यम से चेतन मन को, जब तक वह चेतन मन है तब तक वह चंचल बना रहता है, लेकिन जब वह चेतन मन अपने अवचेतन और अचेतन की स्थिति को प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर असंभव वस्तु उसके लिए संभव बन जाती है। और इसी के लिए महायोगी गोरखनाथ ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस चराचर जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या जो कुछ भी हमारे मन में जिज्ञासा आती है, जो मन में विचार आते हैं, वे विचार अचानक नहीं आते हैं, वे विचार अचानक नहीं आते हैं। जो बात आज हम बोल रहे हैं, अब याद करिए आज से 400 वर्ष पहले अगर एरोप्लेन की बात कोई करता रहा होगा, या हमारे ग्रंथों ने रामायण में या उसके बाद के ग्रंथों में जब पुष्पक विमान की बात आई होगी तो लोगों ने उसको क्या माना होगा? पश्चिम जगत ने तो माना होगा कितना कपोल कल्पित है, हमने उसको आस्था के साथ जोड़ दिया कि वे भगवान राम है तो पुष्पक विमान से आए ही होंगे, इंद्र भी विमान से आते ही थे। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय था, पश्चिम जगत के लिए क्योंकि सोच उनकी सकारात्मक नहीं थी, नकारात्मक थी, लोग मानते थे सर देखिए सब ढोंग है, पाखंड है, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज एरोप्लेन का आविष्कार होने के बाद और जिस तेजी के साथ इस दिशा में प्रयास हुए हैं, आज तो लोग मान सकते हैं ना कि हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान था, उसका अस्तित्व था और भगवान राम स्वयं लंका से उसी पुष्पक विमान से अयोध्या तक आए थे। आज तो हर एक व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता, आज तो उसको कोई नकार नहीं सकता।